नमस्कार, न्यूज 11 के इस खास कार्यक्रम बोल जनता बोल में आपका स्वागत है। चुनावी बिगुल बज चुका है और हम मौजूद हैं रातू में और यहाँ के लोगों से समझने आए हैं कि उनका मूड और मिजाज इस बार इस चुनाव को लेकर क्या है, यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, सीधे लोगों से जुड़ते हैं, क्या इस बार दिमाग में है, क्या सोचकर वोट कीजिएगा इस बार। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विकास कार्य की फिर लेकर को हम लोग बातें करेंगे। जो बातें हैं परिवार रहित, जैसे विकास के कार्य में विकास हुआ है बीजेपी के शासन में। जी हाँ, उसी को आधार मान के वोट कीजिएगा। जी जी, चलिए, विकास आधार होगा आपका। बीजेपी को, बीजेपी को ही। क्यों बीजेपी? हमको अच्छा लगता है। अरे तो अच्छा लगने से होगा कि आपके हित में क्या काम हो रहा है उसको भी तो देखिएगा। बीजेपी पूरा काम किया, सब चीज काम किया, जनता के लिए भी काम किया। बीजेपी को ही हम लोग वोट देंगे। फिर से मोदी होंगे? हाँ, फिर से मोदी होंगे। और यहाँ रामपाल जी होंगे कि नहीं होंगे? आएंगे आएंगे। चौधरी जी होंगे यहाँ? हाँ होंगे। लास्ट टाइम कब मिले थे चौधरी जी से? वो बुढ़ा गए हैं। हम बदल देना चाहिए, कुछ नया नया लड़का लोग को देना चाहिए। मतलब कहना चाह रहे हैं बदल देना चाहिए ना? हाँ हाँ, बदल देना चाहिए। चलिए आप बताइए चचा, क्या है मूड मिजाज आप लोग का, क्या सोच के वोट कीजिएगा इस बार? केंद्र में मोदी रहेंगे और इधर तो कोई युवा होंगे तो उन्हीं को देखा जाएगा विधानसभा में। मौजूदा सांसद के कामकाज से खुश नहीं है? नहीं, हम तो खुश नहीं है। क्या लगता है कहाँ कमी रह गई उनके काम में? एज हो गया उनका। अच्छा, अब कोई नया आदमी को मिलना चाहिए जिसमें थोड़ा सा जोश हो। चलिए आप भी मानते कि एज हो गया मौजूदा सांसद का और अब बदलाव की जरूरत है मौजूदा वक्त में? जी नहीं, ये तो यहाँ सांसद जी का भी विकास पूरे क्षेत्र में हुआ है। नरेंद्र मोदी जी की सर्वांगीण विकास, चाहे किसी क्षेत्र में आप ले लीजिए, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे ये मतलब उजाला योजना हो, मतलब आज पूरे 70-65 साल में जो नरेंद्र मोदी ने लगभग 5 साल में विकास किया है, किसी ने सपना में सोचा भी नहीं होगा। देश में मोदी होंगे फिर से? देश में मोदी 400 पार होंगे, ये हम लोग को भरोसा है और उम्मीद है। ये जनता की आवाज़ है कि भारत ही नहीं पूरे विश्व में मोदी ने इस देश को भारत वर्ल्ड की चौथी अर्थव्यवस्था में खड़ा रखा है। इस नरेंद्र मोदी इस देश की, चाहे वो पाकिस्तान जो मेरा पड़ोसी देश है, जो हमेशा आँख दिखाता था, ये ने एयर स्ट्राइक सर्जिकल स्ट्राइक करके घर घुस में मार कर दिखाया है कि हमारी सेना और आंतरिक सुरक्षा वायु सुरक्षा से यदि कोई निजात दिला सकता है तो नरेंद्र मोदी, ये सिर्फ प्रधानमंत्री इस देश। आप कह रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है? मोदी है तो मुमकिन, सब कुछ मुमकिन है। चलिए आप भी मानते हैं देश के लिए मोदी ठीक है, लेकिन यहाँ की बात हम नहीं मानते इनकी। तो यहाँ कौन ठीक है? यहाँ पर युवाओं को चाहिए मौका। बुजुर्ग तो बहुत कर लिए और हमको लगता नहीं है कि रातू प्रखंड में अगर रामटाल चौधरी से अगर बगल मोहल्ला का नाम पूछा जाए तो उनको याद भी होगा। अगर आपको लगता है कि उनको याद है तो फोन लगा के एक बार पूछ लीजिए कि मैं रातू प्रखंड के जगह पे यह कर रहा हूँ और बगल का मोहल्ला, दो चार मोहल्ला का नाम बता दीजिए। अगर वो सांसद है हमारे क्षेत्र के, लेकिन नाम नहीं जानेंगे। कामकाज से खुश नहीं है? जब वो आए थे ही नहीं है तो काम कुछ ही का। लास्ट टाइम कब मुलाकात हुई थी उनसे? हमको लगता है बुढ़ा गए, हम लोग देखे हुए भी जवानी में देखे थे, अब देखेंगे बुढ़ापा में। हमको ही तो लगा कि उम्र तो बुढ़ापे की नहीं है बस। नहीं, हम लोग वही बोल रहे हैं कि उनको जवानी में देखे थे, अब हो सकता है कि बुढ़ापा में फिर देखे, यही हमको उम्मीद लग रहा है। तो रामटाल जी के कामकाज से खुश नहीं है यहाँ के लोग? आप भी? बिल्कुल, अभी तक कुछ क्षेत्र में दिखते नहीं है विकास के नाम पे। तो अभी तक गांव में आप प्रखंड लेवल में देख लीजिए, कहीं कुछ एक शौचालय तक के यहाँ मैंने विधि व्यवस्था का मैंने ही नहीं है। पुरुष का तो छोड़िए, महिला का भी नहीं। और भारतीय जनता पार्टी बोलती है कि हम विकास का ढिंढोरा पीट रहे हैं, पूरा बैनर पोस्टर लगा रही, लेकिन हम लोग विपक्ष मैंने ये कर लिए हैं कि इस बार मोदी को किसी भी हाल में जीतने नहीं देंगे और उसको सत्ता से इस बार बेदखल करने की हम लोग की पूरी ठान लिए हैं। इस बार राहुल गांधी बिल्कुल प्रधानमंत्री। पहले शख्स मिले जो देश में मोदी को नहीं जाते हैं, कुछ महिलाएं भी हैं। चाची आप बताइए, इस बार वोट करना है ना? हाँ बिल्कुल करना है। क्या सोच के वोट कीजिएगा? क्या सोच के करेंगे? सब कुछ अच्छे कर रहे हैं गांव के लिए। पहला तो रोड बनाए, रोड सबका है, एक आदमी का रोड नहीं है। और रोड में जब गाड़ी चलती है एक्सीडेंट नहीं होगा तो सुरक्षा है, आदमी सबसे बड़ा है। अब देश में कौन चाहिए आपको, राहुल गांधी चाहिए कि मोदी जी चाहिए? अब गांव गांव सब कुछ दिए हैं, शौचालय बिजली सब कुछ दिए हैं। देश में मोदी जी चाहिए फिर से कि राहुल गांधी चाहिए? हमको तो मोदी जी चाहिए, मोदी बहुत अच्छे हैं। अच्छा, और यहाँ यहाँ के जो आपके लोकल सांसद है रामटहल जी चौधरी, वो चाहिए आपको? चौधरी जी नहीं चाहिए? हम लोग का तो ये है नवीन, वो तो विधायक है ना, सांसद तो रामटहल चौधरी है ना? रामटहल चौधरी नहीं मिले हैं कभी?
नहीं मिले हैं उनसे तो हम नहीं बता सकते हैं उनका। ये नहीं मिली है, आप मिले हैं रामटल चौधरी जी से? मिले हैं, हम रामटल चौधरी को ही उठाएंगे, भाजपा को ही वोट दे, दूसरे दूसरे का वोट नहीं देना पक्का, क्योंकि हमारे जो अभी जो गुटखा खा रहे, थोड़ा देर बाद आपसे मिलेंगे, रुकिए आइए। क्या है इस बार, क्या सोच के वोट कीजिएगा? इस बार बोले थे कि 2 करोड़ को रोजगार देंगे, पूरा पूरी फेल है। बोले थे कि जनधन योजना में 15 लाख रुपया देंगे, पूरा पूरी फेल है। बोले थे कि किसानों का आय दुगुना करेंगे, पूरा पूरी फेल है। इसीलिए इस बार पास कौन है ये बताइए। इस बार महागठबंधन बना के इस बार हम लोग चाह रहे हैं कि अच्छी सरकार यहाँ पर आए। तो देश में तो महागठबंधन बन ही रहा है, नहीं बन रहा है तो कैसे अच्छी सरकार महागठबंधन की देश में आएगी? हम लोग महागठबंधन के माध्यम से अच्छी सरकार हम लोग चाहते हैं लाने, यहाँ राज्य में ना बनेगा? नहीं, राज्य में भी और क्या बोलते हैं सो केंद्र में भी। अच्छा ये बताइए कि जो आपके जो सांसद हैं रामटहल चौधरी जी, मिले उनसे कभी? उनसे तो मिले नहीं है अभी। कामकाज हुआ उनका कार्यकाल में? वहाँ पर जो वहाँ गोद लिए हैं, यहाँ पर जाके पंडरा को देखिए, विधि व्यवस्था जैसे के तैसे अभी तक वहाँ पर बनी हुई है। कुछ नहीं बदला, बताइए बदला सांसद जी के 5 साल के कार्यकाल में? कुछ नहीं बदला है, अभी हमारे बाजपुर पंचायत के हम हैं, बाजपुर पंचायत को सांसद जी गोद लिए हुए हैं, लेकिन अभी तक वहाँ विकास की कुछ काम नहीं। बदल देना है उनको? बिल्कुल बदल देना है। आप बताइए क्या है इस बार, आप लोगों का क्या सोच के वोट कीजिएगा? तब तो चुनावी बिगुल बज गया है। हम लोग का है कि भाई किसान का जो कर्ज है उसको माफ़ किया जाए, तो हम लोग उसका क्या, किसान का बहुत हालत ख़राब है, वो आत्महत्या कर रहे हैं, किसान को कर्ज माफ़ होना चाहिए। आम आदमी का हालत ख़राब नहीं है, महंगाई नहीं है? आम आदमी का भी हालत ख़राब है, खाली घोषणा हो रही, अच्छे दिन आ गए, अच्छे दिन कुछ आया नहीं, 15 लाख का बाद तो कुछ नहीं मिला, इसलिए परेशान तो है ही सब। अच्छा राष्ट्रवाद बड़ा मुद्दा है इस बार, तो बड़ा देश पूरा इमोशनल हो गया है एकदम सर्जिकल स्ट्राइक के बाद, तो वो भी बड़ा मुद्दा, उसको भी सोच के वोट कीजिएगा क्या आप लोग? देश तो खर देश हित में तो होता ही है, देश को देश जब बचेगा तभी राजनीति हो सकता है, इसलिए देश का हित में तो दिखा ही जाएगा। राष्ट्र हित में बेरोजगारी महंगाई ये सब मुद्दा है कि छिप गया सब? महंगाई तो महंगाई है, बेरोजगारी है, जो 2 करोड़ देने के बाद था लेकिन कुछ मिला नहीं, किसी को रोजगार नहीं मिला, जो रोजगारी कर रहे थे जो नोटबंदी की वजह से रोजगार भी बंद हो चुका है। रोजगार है देश में, मिला आप लोग को? जी नहीं। मौजूदा सांसद के कामकाज कैसा रहा 5 साल का? हमारे लिए तो अच्छे है, काम रोड का हो रहा है तो इसके लिए अच्छा ही है। फिर से उन्हीं को चुन को लाना है? अब तो वो बात नहीं बता सकते हैं अभी हम। अच्छा गुप्त मतदान है। अच्छा देश में कौन चाहिए, मोदी जी चाहिए कि राहुल जी चाहिए? फिलहाल अभी तो मोदी ही चाहिए। अच्छा मोदी जी ही चाहिए। तो जनता का मूड कहीं ना कहीं मोदी जी को लेकर बहुत ज़्यादा है और लोगों को लगता है कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है। आप बताइए वाकई देश अच्छा, आप नहीं नहीं ये कुछ नहीं बोलेंगे, आप आइए आप आइए। क्या है इस बार, क्या सोच के वोट कीजिएगा इस बार? हम सिर्फ मोदी और मोदी को ही जानते हैं, केकरो नहीं। बढ़िया काम मोदी जी की आज तक भर में 60 साल तक कांग्रेस का कर दिया है, हैं बताइए। मोदी जी वाला भाषण, मोदी जी का फीडबैक देखता है कि मोदी जी को कर दिया आज तक कोई किया है, उनका फीडबैक के बारे में लोग पूछता है कि मोदी जी क्या किए हैं, लेकिन अपना फीडबैक देखिए क्या है। मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी, मोदी जी और मोदी जी, मोदी जी सिर्फ मोदी और मोदी। वहाँ तो मोदी और यहाँ, यहाँ कोई युवा नेता आएगा? हाँ युवा नेता कोई भी पार्टी को, लेकिन युवा हो, करने वाला जुझारू हो, कर्मठ हो। चौधरी जी अब क्या उम्र हो गई? हम चौधरी को जानते हैं, देखे भी नहीं कैसे लगते हैं, खाली अपना नाम खाली ढिंढोरा पीट रहे हैं, लेकिन सिर्फ मोदी जी हम जानते हैं बस, नहीं नहीं देखे हैं। तो देश में मोदी, लेकिन यहाँ जो सांसद होंगे वो कोई युवा होंगे, ये आप भी यही चाहते हैं? ऐसा थोड़ा जरूरत कुछ नहीं है, युवा हो ऐसा कोई मामला नहीं है, जो यहाँ के लोगों को समझे। और हमको लगता है कि रामटहल चौधरी जी जब से सांसद बने निरंतर रातू के लोगों से उनका संबंध बना रहा, बदलाव करना नहीं करना यह पार्टी का काम है, यहाँ का जनता यह तय कर चुका है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा। तो चौधरी जी के कामकाज से खुश है? मतलब चौधरी जी के कामकाज से खुश ही है हम लोग, पार्टी जो निर्णय करता है चौधरी जी उसको मानते हैं, पार्टी के नीति पर काम होता है, भाजपा का सिद्धांत में चौधरी जी चलते हैं, हम लोग खुश हैं उनसे। आप कहाँ छिप रहे हैं, आइए आइए। क्या क्या सोचिएगा वोट देने से पहले? इस बार तो चुनाव का बिगुल बज गया है, तो कुछ तो सोचे होंगे ना कि क्या मुद्दा है, किस मुद्दे के आधार पर वोट वोट देना है, इसको मत देना वो मत बताइए ना हमको, आधार क्या होगा ये बताइए। आधार जैसे जैसे, अरे भैया क्या सोच के वोट कीजिएगा? विकास के लिए देंगे वोट,
विकास जो हम लोग को विकास का लहर चलवाना है, हम लोग को मोदी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, इसी के लिए सोच के देंगे वोट और सबको जागरूक भी करेंगे हम लोग। और यहाँ के लिए यहाँ जब सांसद को चुनना होगा तब तो जो आप जिसको वो पार्टी दे दे टिकट, बीजेपी जिसको भी दे देगा चुन देना है, मैंने बीजेपी के भक्त ठीक है, हम जिसको भी दे दे पार्टी टिकट उसी को हम लोग वोट करेंगे। तो ये अपने तरीके का एक मिजाज है लोगों का, और लोग कह रहे हैं कि देश में मोदी तो ठीक है लेकिन जो लोकल सांसद है उनमें बदलाव की जरूरत है। हम फिर से जुड़ेंगे, फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम मौजूद हैं रातू प्रखंड में, जो कि हटिया विधानसभा का ये पूरा क्षेत्र पड़ता है। यहाँ से बीजेपी के जो विधायक हैं नवीन जायसवाल, वो यहाँ से नेतृत्व करते हैं। बहरहाल हम फिर लोगों से जुड़ते हैं और उनके मूड और मिजाज को समझने की कोशिश करते हैं कि देश में चुनावी बिगुल बज चुका है, लोग क्या सोच रहे हैं, इस बार किस आधार पर वोट करेंगे, क्या होगा लोगों का आधार। हमारे साथ कुछ महिलाएँ भी हैं, जरा आप बताइए कि इस बार क्या सोच के वोट कीजिएगा। हम ये सोच के करेंगे, सबसे पहले तो हम नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि जहाँ नामुमकिन था वहाँ मुमकिन कर दिखाए हैं नरेंद्र मोदी जी, और हर घर में शौचालय का व्यवस्था कराए। जो माता बहन बाहर निकलते थे अब वो अंदर में ही रहेंगे, मतलब इतना साधन कर चुके हैं, और नल के द्वारा पानी का भी व्यवस्था कर दिए हैं, और जो मतलब रोड जो सरकार बना रही है इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ कि पूरे जनता के लिए नहीं, अपने लिए नहीं मरना चाहिए, दूसरे के लिए मरना चाहिए, इसलिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ। इस बार मोदी ही रहेंगे इस बार भी मैं मोदी हम चाहते हैं कि रहेंगे। आप बताइए क्या सोच के कीजिएगा वोट। हम लोग सोच के देंगे, ये सोच के देंगे कि हम लोग को बहुत फैसिलिटी मिल रहा है, महिला समिति में दे रहे हैं सर, है ना, चूल्हा दिए हैं, जो लकड़ी में घर में खाना बनाती थी महिला लोग को नहीं मिलता था साधन की, एक घंटा लगता था चूल्हा जलाने में, घर घर में गैस सप्लाई किए हैं, कि हम लोग तो नरेंद्र मोदी को दे। तो आपको लगता है कि एक बदलाव आया है महिलाओं? बदलाव आया है, बहुत बड़ा बदलाव आया है। आप बताइए चाची, वाकई बदलाव महसूस करते हैं आप भी? जी हम तो मोदी सरकार को देंगे वोट, वोट उन्हीं को देंगे, हर तरह का हम लोग को कर रहे हैं, मतलब जगह में शौचालय बना दिए हैं और रोड बना हुआ है, हर चीज के लिए सुविधा किए हैं मोदी सरकार, उन्हीं को हम वोट देंगे। तो लोगों ने एक तरीके से अपना मूड और मिजाज बना लिया है। कुछ और लोग हैं, भाई साहब ये बताइए, चुनाव का बिगुल बज चुका है, चर्चा तो अब सियासी हो चली होगी आपके भी मोहल्ले में चौपाल पर, क्या चर्चा है इस बार रातू में? देखिए चर्चा तो लोग यहाँ पे बहुत सारे पार्टी है जो कि गठबंधन करके आज मोदी जी को पद से हटाना चाहते हैं, लेकिन जनता जबरदस्त गठबंधन कर लिया है और निश्चित तौर पर मोदी का ही इस देश में उनका नेतृत्व चलेगा, इसमें जनता गठबंधन की है। और कारण यह है कि इसमें मोदी जी कोई भी विकास का कार्य लाए उसमें जाति समाज को नहीं देखे, सभी वर्ग के लोगों को, सभी जाति के लोगों को उसने सुविधा दिया, चाहे वो गैस कनेक्शन का बात हो या आपका शौचालय की बात हो या इंदिरा आवास। आज देखिए पहले 65,000 रुपये 60,000 रुपये मिलता था, आज 1,70,000 75,000 रुपये मिलता है। चलिए हम समझ गए आपकी भावना से, अवगत हो गए, देश में मोदी हैं ठीक है, लेकिन जो आपके लोकल सांसद हैं वो भी क्या चौधरी जी ही होंगे या फिर दूसरा कोई चाहिए अब? नहीं हम लोग का तो भाई सांसद महोदय हैं, और आज के डेट में हम लोग के विधायक भी नवीन जायसवाल जो है, जो दोनों मिल करके इस क्षेत्र का हटिया विधानसभा, खास तौर पर हटिया विधानसभा क्षेत्र को तो बहुत आगे बढ़ाए हैं और हर एक गली हर एक नाली हर एक गांव में पानी का व्यवस्था दिए हैं। इसे बहुत प्यार है इनको, लगता है ये जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं? सच्चाई है, इनकी बातों पर सच्चाई है। आज हमारे प्रधानमंत्री जो सबका साथ सबका विकास का जो नारा दे के 2014 में जो चले थे वो बखूबी पूरा किए हैं, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे हमारे ग्रामीण से लेकर शहरी क्षेत्र में सारी समाज के लिए डेवलप का काम हुआ है,
और हमारे जो लोकल लोग तो कहते हैं कि जुमला साबित हुआ, आपको नहीं लगता? कुछ नहीं है, ये सब डेटा की चीज़ है, करप्शन खत्म हो गया, सब ऑनलाइन है, आप देखने वाली बात है। आप जाइए गरीब के बीच में, उज्ज्वला योजना में कहीं मुसलमानों को ठगा नहीं गया, प्रधानमंत्री आवास योजना में कहीं मुसलमानों को ठगा नहीं गया, आपका आयुष्मान भारत में कहीं मुसलमानों को ठगा नहीं गया, सबका साथ सबका विकास का काम जो हुआ है। अल्पसंख्यक समाज भी पूरी तरीके से मोदी जी के साथ है? जी जी, मोदी जी के साथ पिछले 2014 में भी 11% था और इस बार हमको लगता है बढ़ के 50% आएगा मुसलमान। इस बार बढ़ के आएगा, आप भी मानते हैं? जी नहीं, मैं आज की है मोदी जी आज इस देश में राज कर रहा है तो सिर्फ जाति पाति का लेके, हिंदू मुस्लिम करके, मंदिर मस्जिद करके, कभी डिबेट में वो बैठे क्यों नहीं, बैठते क्यों नहीं? तो आज तक पीसीए ने किए, भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए 5 साल। राइफल पर डिबेट क्यों नहीं, काला धन पे डिबेट क्यों नहीं, महंगाई पर डिबेट क्यों नहीं, बेरोजगारी पे डिबेट क्यों नहीं? ये सवाल सीधे मोदी जी से है आपका? ये सीधे मोदी जी से है। मोदी जी आज सत्ता में भी बैठना चाहता है तो सिर्फ जाति पाति मंदिर मस्जिद की राजनीति करके, जब तक जाति पाति की राजनीति खत्म नहीं होगी देश विकास का गंगा की ओर नहीं जाएगी। गंगा गंगा बहेगा, गंगा बहेगा, कुछ और लोग हैं, सबकी अपनी अपनी बातें हैं, अपनी अपनी भावनाएं हैं। आप बताइए चचा, बड़ा आप तो न्यूज व्यूज देखते हैं कि नहीं? क्या लग रहा है इस बार मूड मिजाज क्या है लोगों का? अभी तो है मोदी का, अभी है चांस। अच्छा, इसमें मोदी जी हैं फिर? रहेंगे। क्या अच्छा लगता है उनका? विकास का बहुत ही काम किए हैं, रोड वोड बनवाए हैं और गरीब के लिए बहुत कुछ भलाई किए, इंदिरा आवास ये सब। अच्छा, बताइए जो आपके मौजूदा सांसद हैं उनके कामकाज से आप लोग खुश हैं? हाँ ठीक है, वो भी ठीक है, बदलाव की जरूरत महसूस नहीं? हम लोग तो उन्हीं को वोट देंगे। तो लोगों ने एक तरीके से मन बना लिया है, कुछ और लोग हैं मोबाइल में व्यस्त हैं, मोबाइल का जमाना है, मोबाइल से ही दुनिया चलता है, ये बताइए सब ठीक है? सब ठीक है। इसमें क्या हो रहा है? प्रेस में क्या हो रहा है, इस बार का वही चुनाव है, चुनाव में सब अपने अपने प्रत्याशी को किसको वोट देना है ये उम्मीद लेके सब कोई अपना गठबंधन बनाए हुए हैं। अच्छा ये बताइए, राष्ट्रवाद मुद्दा है या फिर आपको लगता है कि राष्ट्रवाद के साथ साथ बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई ये भी मुद्दा होना चाहिए? राष्ट्रवाद के साथ साथ ये सब मुद्दा होना चाहिए, महंगाई, बेरोजगारी ये सब लेके, तभी हम लोग का गठबंधन ये सरकार आगे चलेगा। और वोट करने जाएंगे तो ये तमाम चीज़ें सोचेंगे, दिमाग में सब कुछ रहेगा? हाँ, ये सब सोच के ही तो वोट देना पड़ेगा ना, तभी तो हम लोग का देश आगे बढ़ेगा। जो सरकार हमारे काम में आएगा उसी के लिए वोट देंगे, तभी हमारा विकास होगा, देश आगे बढ़ेगा। तो जो काम करेगा वही चुन के आएगा, ये लोगों का कहना है। आप बताइए, चश्मा उसमें पहन लिया आप तो पूरा, पहने रहिए बताइए। -25 डिग्री का प्रॉब्लम है, इसीलिए फर्स्ट सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि ओपन डिफेक्शन फ्री ऑब्लिक नो सीट जो कहा गया कि स्वच्छ भारत अभियान, उसके नाम पे घोटाला हुआ है। दूसरी चीज़ ये कहेंगे कि सबका साथ सबका विकास, तो सबका साथ सबका विकास ऐसा कहीं नहीं है कि भेदभाव किया जा रहा है। बहुत लोग बोल रहे हैं कि जाति पाति देखा जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जात को बांटने वाले भी लोग होते हैं और करप्शन के बारे में हम कहना चाहेंगे कि करप्शन कहीं ख़त्म हुआ ही नहीं है। सिर्फ सरयू राय को धन्यवाद करना चाहेंगे कि वो उनके सेक्टर में सारा करप्शन ख़त्म हो गया, और उसका एक एग्जाम्पल भी देना चाहेंगे कि अभी नया पैकेट लॉन्च करने वाले हैं, ठीक है, पैकेट से अब बटेगा खाद आपूर्ति विभाग को। खुश है सरयू राय के काम से? सिर्फ सरयू राय के काम से खुश है, लेकिन एक चीज़ कहना चाहेंगे कि मनरेगा का जो 168 रुपया मजदूरी दर है वो भी अभी बकाया है झारखंड सरकार के, वो मिलना चाहिए। और साथ में जो शेड निर्माण हुआ रातू प्रखंड के 20 पंचायत में, उसका मटेरियल का भुगतान नहीं हुआ है। आप बगल में जाके देखेंगे स्वच्छ भारत का सबसे अच्छा नमूना है मनरेगा कार्यालय में। फिर जुड़ेंगे आपसे। आप बताइए भाई जी कि तमाम चीज़ें ठीक है लेकिन राष्ट्रवाद कितना बड़ा मुद्दा है? राष्ट्रवाद इसलिए बहुत बड़ा मुद्दा है कि हमें बाहरी जो चाहे वो जैसे मोहम्मद हो, जो आतंकवादी बाहरी आतंकवादी, उससे ज़्यादा हम लोग को अपने अंदर जो है अलगाववादी नेता जो हमेशा देशद्रोह की भाषा बोलते हैं, वो सबूत मांगते हैं कि आप एयर स्ट्राइक किया उसका सबूत चाहिए, ये हम लोग के लिए बहुत ही विडम्बना और दुर्भाग्यपूर्ण बात है।
और शर्म वाली बात है, इस देश के 123 करोड़ जनता आज मोदी जी के साथ, सेना के साथ है, लेकिन विपक्ष, राहुल गांधी हो, दिग्विजय सिंह हो, ये ऐसे हैं। राष्ट्रवाद बहुत बड़ा मुद्दा है। आप कहते हैं कि इस पर सियासत नहीं होना चाहिए? नहीं, सियासत नहीं चाहिए। सबसे बड़ी बात है, आप देश सबसे बड़ा ऊपर है, दल से ऊपर देश होनी चाहिए। लेकिन जितने भी विपक्ष के नेता हैं महागठबंधन, चाहे वो राहुल गांधी हो, पीएम मटेरियल पप्पू जो है, वो अपने आप को बहुत बड़ा मटेरियल समझ, लेकिन उनको पता नहीं देश की सुरक्षा के साथ छद्मती, मतलब उसको क्या कहा जाए, तथाकथित पीएम मटेरियल बनना चाह रही है। राष्ट्रवाद बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है मेरे विचार से, क्योंकि आपको भी लगता है राष्ट्रवाद बड़ा मुद्दा है, देश पहले है और दल बाद में? वो तो बात सही है, देश तो पहले है ही, लेकिन देश को अगर सुरक्षा की नज़र में अगर किसी को हम लोग नेतृत्व करना देखना चाहते हैं तो सिर्फ मोदी है, उसके बगैर और कोई नहीं है। कुछ और लोग हैं जरा उनसे भी जुड़े, आप बताइए चाचा, अब तो सियासी माहौल हो चुका है, चर्चा उर्चा तो हो रहा होगा इस बार, क्या चर्चा है इस बार? मोदी जी विजय रहेंगे। हाँ, मोदी है तो मुमकिन है, मुमकिन है, सब चीज मुमकिन है, मोदी मोदी एकदम, और कहीं कुछ नहीं है, और जितना भी है सब हवा में है, हवा में है, बड़ा बड़ा बात बोल रहा है उससे कुछ होने जाने को नहीं है, मोदी के सामने किसी का कोई औकात नहीं है। आप लोगों ने मूड बना लिया है फिर से? एकदम फाइनल। अच्छा ठीक है, तो देश के लिए तो मूड बना लिया, लेकिन यहाँ के जो आपके लोकल सांसद हैं उनके लिए भी कुछ मूड बनाया है? तो उन्हीं को वोट देंगे तब ना मोदी तक पहुँचेगा मामला। उनको भी लेके चल, एकदम एकदम एकदम। काम हुआ उनके कार्यकाल में? हुआ, बहुत सारा काम हुआ, जो उनके बस में था वो किए, लंबे समय से सांसद है, अच्छे सांसद है, चाहते हैं कि मौका और मिलना चाहिए, एकदम मिलना चाहिए। मिजाज है सर आम लोगों का, तो नोटिफिकेशन हो गया, चर्चाएं हो रही है राजनीति तौर पर? हाँ, थोड़ी बहुत तो हो रही है, और अगर देखा जाए तो हम तो मोदी, देश में फिर से मोदी, फिर से मोदी। क्या खास नजर आता है आपको वहाँ? खास देखिए, अगर देखा जाए तो उस तरह का डेवलपमेंट और जो पहले जो सरकार करती थी और अब में जो हो रहा है वो ट्रांसपेरेंसी दिख रहा है, भले अभी पूरे रूप से उभर के नहीं आया है, लेकिन आने वाले दिनों में वो उभर के सामने आएगा। कुछ और लोग हैं, ट्रांसपेरेंसी दिखती है काम में, और दूसरा मेरा एक जो महत्वपूर्ण सवाल है कि राष्ट्रवाद क्या इस बार एक बड़ा मुद्दा है? ऐसा हम लोग सबके अपने अपने नजरिए की बात है बोल सकते हैं, राष्ट्रवाद मुद्दा हम लोग एक तरह से हाँ भी बोल सकते हैं, नहीं भी बोल सकते हैं, क्योंकि बहुतों का ऐसे ऐसे बयान आए हैं जो कि हम मान सकते हैं कि वो राष्ट्र के खिलाफ है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो राष्ट्रवाद को हम लोग मुद्दा बड़े तौर पे नहीं मान सकते, लेकिन जो प्रगति जो या जो भी डेवलपमेंट हुआ है यहाँ पर उसको लेकर के हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ मोदी जी इस बार ये हैं। आप भी यही मानते हैं कि एक बार फिर से मोदी जी को ही मौका मिलना चाहिए, या फिर इस बार बदलाव की ज़रूरत महसूस करते हैं आप लोग? लगता है शायद बदलाव की ज़रूरत है, मोदी जी ने शायद कुछ चीज़ें ठीक की है, लेकिन वो जो जातीय धर्म के नाम पर उनके लोगों ने लड़ाया वो शायद मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो वो शायद नहीं होना चाहिए। आप भी महसूस करते हैं? नहीं, मैं चाहूँगा जो फिर मोदी जी आए, क्योंकि जो अभी हमारे साथी ने बताया जो पारदर्शिता एक दिख रहा है, ट्रांसपेरेंसी, तो वो चीज़ें आ रही हैं हर एक क्षेत्र में, उसके अलावे भ्रष्टाचार के खिलाफ अभी जैसे हम लोग लास्ट उनका जो अभी रहा पूरा दौर, तो उसमें हम लोग कभी भी एक बार भी नहीं देखा जो इस पार्टी ने कोई भी घपला, कोई भी भ्रष्टाचार। ये बताइए, सर्जिकल स्ट्राइक भी मुद्दा होगा आम वोटरों के सामने? हाँ होगा, होना चाहिए, और जैसे अभी हम लोग और भी न्यूज़ में देखते हैं जो पहले भी हुआ था, तो जैसे हम लोग पारदर्शिता की बात करते हैं, अगर पहले भी हुआ था तो क्यों नहीं सामने आया, तो ये भी एक मुद्दा होगा, और अभी हुआ, अभी दिख भी रहा है। चलिए, राष्ट्रवाद भी मुद्दा है, सर्जिकल स्ट्राइक भी मुद्दा है, आपको भी लगता है ये मुद्दा है आम लोगों के सामने, जब आप वोट करने जाएंगे तो सर्जिकल स्ट्राइक भी आपको याद आएगा और राष्ट्रवाद की जो भावना है वो तो रहेगी? बिल्कुल बिल्कुल रहेगी, और हम हमारी सोच है कि हमारी ओपिनियन ये है कि एक बार फिर मोदी जी को मौका मिलना चाहिए 5 साल के लिए, और पिछले जितना ये गैप, ये 4 साल के पीरियड या 4.5 साल के बीच में जितना काम हुआ है उसके पिछले इतना स्पीड में काम नहीं हुआ है, और पहले भ्रष्टाचार जितना हुआ था और अभी भ्रष्टाचार नहीं के बराबर है, इसलिए हम समझते हैं कि हमारे सोच है कि मोदी को एक बार मौका मिलना चाहिए। चलिए, तो ये लोगों का अपने तरीके का एक मूड और मिजाज है, लोगों को लगता है कि एक मौका फिर से मोदी जी को मिलना चाहिए, और जो बात राष्ट्रवाद को लेकर देश में चल रही है या फिर सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर चल रही है, लोग मानते हैं कि ये भी एक बड़ा मुद्दा हो सकता है वोटरों के सामने। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, कल इसी तरह एक नए चौपाल से फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक देखते रहिए न्यूज़ 11, क्योंकि सच है तो दिखेगा।